गाइज़ वेलकम टू टुडेज़ जो हम कराते हैं इंटरटेनमेंट की दुनिया से आपका डायरेक्ट कनेक्शन। मैं हूँ सपना, बात कर रहे हैं अजय देवगन की। आप सभी को अजय देवगन सोनाक्षी सिन्हा की फिल्म सन ऑफ सरदार तो याद ही होगी। ये कॉमेडी फिल्म थी जिसमें सलमान खान ने कैमियो किया था। फिल्म को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया था और इस फिल्म में संजय दत्त भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर में थे। फिल्म की कहानी बेसिकली खानदानी दुश्मनी पे थी, लेकिन इसे काफ़ी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया था, काफ़ी कॉमेडी जो है वो दिखाई गई थी। यही नहीं, हमारी भारतीय संस्कृति में सबसे ज़्यादा जो है इस बात को मान्यता दी जाती है, अतिथि देवो भव, इस बात को लेकर भी इस फिल्म में काफ़ी कुछ जो है दिखाया गया था कि हम लोग किस तरह से भगवान मानते हैं अतिथि को घर के अंदर, इस तरह से जो है कॉमेडी करके दिखाया गया था फिल्म को। तो ये फिल्म काफ़ी पसंद आई थी और यही वजह है कि एक बार फिर से फिल्म को बनाने की बातें सामने आ रही हैं। आपको बता दें, एक बार फिर से फिल्म सामने आएगा सन ऑफ सरदार पार्ट टू। इस बार जो कास्ट चूज किए जा रहे हैं वो हैं अजय देवगन तो होंगे ही, यानी कि अजय तो मुख्य किरदार में होंगे ही। इनके साथ ही आपको बता दें कि अनुष्का शेट्टी जो कि बाहुबली फिल्म में नजर आई थी, ये बॉलीवुड के फिल्मों में पहली बार नजर आएंगी अगर वो इस फिल्म में काम करती हैं तो। इसके अलावा दृष्टि धामी, ये एक टीवी सीरियल एक्ट्रेस हैं और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस हैं, अगर इन्होंने इस फिल्म में काम किया तो ये भी बॉलीवुड फिल्मों में डेब्यू करेंगी इस फिल्म से। वहीं आपको बता दें, फिल्म में संजय दत्त तो होंगे ही, उनका इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर होगा। वहीं आपको बता दें कि ये फिल्म कहा जा रहा है कि 2021 के दिवाली तक रिलीज की जा सकती है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी तक इस फिल्म को फिल्म पे काम करने के लिए ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन तक नहीं आई है। ऐसे में फिल्म कब रिलीज होगी ये देखना बनता है। इनसे जुड़ी और जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।